Assalamualaikum and a very good morning. Jaago Lahore के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन. हमेशा की तरह मैं आज भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, वीकेंड एंजॉय करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि कल आप सबकी छुट्टी होने वाली है और बहुत सारे लोग आज भी छुट्टी मना रहे होंगे. हमारे घर में हमेशा ये जो है बहस चल रही होती है कि सैटरडे किसका ऑफ है, किसका ऑफ नहीं है. बच्चे इतराज़ कर रहे होते हैं कि हमारा सैटरडे ऑफ नहीं है, कोई इतराज़ कर रहा होता है कि ये जल्दी आ जाते हैं. तो ये हर घर की कहानी होती है मेरे ख्याल से, कि जिन लोगों का सैटरडे ऑफ होता है वो तो फिर लॉन्ग वीकेंड मना लेते हैं, और जो बेचारे बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है. लेकिन कोई बात नहीं, तो पार्ट ऑफ लाइफ. बड़ा जबरदस्त जनाब, और सैटरडे हो या कोई भी वीकडे हो, हम आपके साथ कोशिश करते हैं कि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें दुनिया भर में, और जो चीज़ें हम मिस कर देते हैं. डेफिनेटली सारी चीज़ें तो हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी रिसर्च या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं. और आज भी जनाब हम एक ऐसी बिल्डिंग की बात करने वाले हैं जो कंटेनर से बनी है. मतलब कंटेनर्स का इस्तेमाल इंटरनेशनली बहुत उसको प्रेफर भी किया जाता है, बहुत ज़बरदस्त भी होता है, लेकिन इनको किसी पॉजिटिव वे में और किसी कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जाना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. और जनाब यही हुआ साउथ अफ्रीका के शहर में. यहाँ पर स्टूडियो के नाम से एक मुख्तलिफ तर्ज की इमारत दिखाई देती है जो कंटेनर से बनाई गई है, जिसमें तकरीबन 140 कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया है. और इससे पहले इसी शहर में तालिब इल्मों के लिए रूम्स बनाए गए थे, जहाँ पर जिनकी कामयाबी के बाद, जिनको एक वो सक्सेसफुल उसका जो है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उसको फर्दर इसमें परसू की इस तरह से किया गया कि इसमें पूरी बिल्डिंग बनाई गई. इस अपार्टमेंट्स की बात की जाए तो इनमें सीढ़ियाँ भी हैं, लिफ्ट्स भी हैं, और इस तरह से बनाया गया कि किसी भी तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए इसको रखा गया. अच्छा जनाब, इसमें हर घर की जो कैपेसिटी की बात की जाए वो 300 से 600 फिट है, और मुरबा फिट जिसको आप कहते हैं स्क्वायर मीटर. और इमारत साजी के लिए तकरीबन 140 मुख्तलिफ रंगों के कंटेनर्स का भी इंतखाब किया गया है. और इसके अलावा बारिश और दीगर जो आप कह लें नेचुरल चीज़ें, उनसे डील करने के लिए भी इसके प्रिपेयर किया गया है. और तमाम जो कह लें ना प्रिकॉशन मेजर्स इसमें मौजूद हैं, और यहाँ पर लोग रहते हैं हर तरह से. मतलब इसमें किचन भी है, ड्राइंग रूम भी है, सारे फ्लोर भी बने हुए हैं, लेकिन जब आप बाहर से देखते हैं तो एक कंटेनर से बनी इमारत है. डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर ली जाए. जब अगली रिसर्च भी कुछ इसी तरह की है, और वो ये कि हम जब बात करते हैं प्लास्टिक की और जब इस तरह से रिसाइकिलिंग की, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं. स्वीडन की बात की जाए तो एक वहाँ पर एक शख्स ने एक ऐसे प्लास्टिक माहौल दोस्त प्लास्टिक तैयार किए हैं जो आलूओं के छिलकों से बने, यानी कि पोटैटो पील से बने हुए हैं. और इनकी मदद से जो है फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत एक बेहतरीन चीज़ साबित हो सकती है. 24 ईयर्स के ये स्टूडेंट हैं, और जिन्होंने ये माहौल दोस्त प्लास्टिक से पानी और आलू के छिलके से बनाए हैं, जो चंद माह में घुल कर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. यानी कि रिसाइकिलिंग या जो आप कह रहे हैं कूड़ा, उसकी तमाम चीज़ों को भी ये बेहतर तौर पर इसमें एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है. कुछ अरसे के बाद ये बिल्कुल डिस्पोज हो जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. ये इनको किसी भी तरह से मोल्ड किया जा सकता है, आप इनको कटलरी की शक्ल में मोल्ड कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह बैग्स की शक्ल में, और ये सिर्फ एक आलू के छिलके और पानी, गर्म पानी के टेम्परेचर पर, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रख के इसको बनाया गया है. और आपके जो प्लास्टिक जिसको हम कचरा कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा होता है, फिर रिसाइकलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ है. जनाब अब ज़रा हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो कुछ इंटरेस्टिंग भी है, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी है. हम आज बात करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे. बेसिकली ये है क्या, और क्या इसके अनासर हैं जो इसमें हेल्पफुल साबित हो सकते हैं इसकी डेवलपमेंट में. पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए और तरक्की याफ्ता ममालिक से इसका कंपैरिजन किया जाए, तो किस तरह की चीज़ें सामने आएंगी ये हम डिस्कस करेंगे. और इसके लिए हमारे साथ बिजनेस मैन हैं और पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं मुनव्वर इबादुल्ला, वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं. वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, बेसिकली ये है क्या. देखिए इसके तीन कंपोनेंट हैं, एक तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, कंपैरेटिवली, और दूसरा है एजुकेशन विच इज 15 इयर्स ऑफ स्कूलिंग, और तीसरा है जीडीपी पर कैपिटा इनकम, कि एक शख्स कितने पैसे कमाता है, क्योंकि उसके इफेक्ट्स होते हैं लाइफ पे. तो ये इंडेक्स हम अनफॉर्चुनेटली 146 पे होते थे, अब हम 150 पे हैं, तो वी आर ऑन अ वेरी लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. और इस वक्त जो इंटरनेशनली जो एज एक्सपेक्टेंसी है वो 85 इयर्स के करीब है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन 64 के करीब हमारी एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी है. यानी जिसका मतलब है 19 साल एक पाकिस्तानी, एवरेज पाकिस्तानी 19 साल एडवांस वर्ल्ड से कम जिंदगी गुजार पाता है, ठीक है.
और ऐसे ही एजुकेशन में है कि वी आर लैगिंग ऑन दैट इंडेक्स. पर कैपिटा इनकम में भी आपको पता है हमारी नंबर्स बहुत लो हैं इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड से. तो ये काफ़ी संगीन सूरत हाल है. ठीक है, अच्छा पाकिस्तान की बात की जाए तो अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं और अभी हमें बहुत ज़्यादा टाइम की दरकार है. किस तरह से कौन कौन से कोर इश्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस किया जाए जो पाकिस्तान की डेवलपिंग सिचुएशन में कुछ हर्डल साबित हुए? आई गेस मेरी ऑब्जर्वेशन में जो एज़ कम्पेयर टू अगर अमेरिका को देखा जाए वर्सेज वेयर वी आर, एक तो पाकिस्तान का जो मेरे ख्याल में कोर इशू है जो सबसे संगीन तरीन इशू है और जिसको हम ज़्यादा टैकल नहीं करते पाकिस्तान में, वो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन. ठीक है, उसके नंबर्स देखें, अगर 1950 में पाकिस्तान की आबादी 3.5 करोड़ थी, अब हम 22 करोड़ हैं. मैं उसको कंपैरेटिवली आपको बताता हूँ, जर्मनी की आबादी उस वक्त 7 करोड़ थी, आज उनकी आबादी 8.40 करोड़ है. तो उन्होंने 70 साल में 1.40 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है. आप उसको एवरेज बना लें तो तकरीबन वो 1 लाख लोग बनते हैं सालाना. हमारे यहाँ आपको शायद अंदाज़ा नहीं, हमारे यहाँ 15,000 बच्चे पर डे पैदा होते हैं और 6 दिन के अंदर हमारे 1 लाख बच्चे और हमारे मुल्क में लोग बढ़ चुके हैं. जर्मनी में वो लोग 1 साल में उतना इजाफा होता है जितना हमारे 6 दिन में उतना. इट्स अ ह्यूज नंबर और उसके लिए फिर साथ साथ तालीम, लिटरेसी रेट, वो भी सारी चीज़ें मदद. जाहिर है, अब हमें वो बच्चे जो पैदा हुए हैं हमें उन्हें स्कूल भेजना. आपको पता है 22 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, राइट? और उनको स्कूल में लेके आने के लिए हमें, अगर हम हर रोज़ 30 के करीब नए स्कूल बनाएं तो फिर भी हमें 7 साल चाहिए टू कैच अप. एग्जैक्टली. ठीक है, और हम 15,000 बच्चे डेली पैदा हो जाते हैं, राइट? तो इसकी वजह से फिर हमारी एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत लो है. एक तो तबका ऐसा है जो स्कूल जा ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्कूल है. 22 मिलियन के करीब जो बच्चे हैं, जो स्कूल जा भी रहे हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है. एक तो हम 15 साल की एजुकेशन तक वैसे नहीं पहुँच पाते. नॉर्मली हमारे यहाँ 10 से 12 साल की जो स्कूलिंग हो रही है, 15 साल की स्कूलिंग नहीं हो रही जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. और लेकिन फिर उसमें भी पुअर क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है हमारे यहाँ अच्छी नहीं है. दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग स्किल्डफुल वर्कफोर्स और उसकी वजह से फिर हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत लो है. और जो आप ये प्रूवन है साइंटिफिकली कि जहाँ पर कैपिटा इनकम कम होता है वहाँ पर हेल्थ जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती. सिटीजन दे कैंट एंजॉय. अगर आप डॉक्टर के, क्योंकि देखिए ना, एक तो डायग्नोसिस नहीं है ना, हम प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ नहीं जाते. हम जब बीमार होते हैं तब हम जाते हैं, हम एनुअल चेकअप नहीं करवाते डॉक्टर्स के पास. उसकी वजह से जो ऐसी चीज़ें जो प्रिवेंट हो सकती थी वो नहीं हो पाती. इसमें एक फैक्टर तो फैसिलिटीज़ का भी होगा ना, कि फैसिलिटेशन या लोगों को उस तरह से हेल्थ के लिए जितने भी मसाइल हैं उनके वो प्रॉपर ट्रीटमेंट्स या वो सारी चीज़ें. प्रिवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रॉपर एक हॉस्पिटल में लोगों का इतना ज़्यादा एक जोर है लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है. अब देखिए ना, उसकी फिर सबसे बड़ी मेरे ख्याल में कोर इश्यू फिर वही है कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं. हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है ना जी. फैमिली प्लानिंग हम कर नहीं रहे. पिछले देखें आप 1980 से लेके अब तक हमारे देख लें कि हमने तकरीबन 8 मिलियन के लोग हमारे बड़े हैं और जर्मनी के उस अरसे में तकरीबन 40 लाख के लोग बड़े हैं. तो आप ये देखें कि जिस आप उस रफ्तार से ना हम स्कूल बना सकते हैं ना हम हॉस्पिटल्स बना सकते हैं. तो कोर मसला जो है फैमिली प्लानिंग का है. जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, फैमिली प्लानिंग हम इंप्लीमेंट नहीं करते, हम ये जो बेसिक सर्विसेज जो सिटीजन्स को चाहिए होती हैं इनको फिक्स नहीं कर पाएंगे. Exactly. अच्छा, साथ में और भी फैक्टर्स हैं, जैसे आपने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल या जो हम फैमिली प्लानिंग उस पर फोकस नहीं करते, करप्शन है, बहुत सारे फाइनेंशियल इकोनॉमिकल इश्यूज हैं जिनको पाकिस्तान फेस कर रहा है और एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें हर्डल्स ही हैं. देखिए, करप्शन एक मसला ज़रूर है पाकिस्तान का. मैं उसको ये नहीं कहता कि वो मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का वो मसला इसलिए वो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना मैं उसको टॉप प्रायोरिटी नहीं समझता. अच्छा. लेकिन ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस को वोट जीतने होते हैं तो उनको कोई ऐसी चीज़ तो लेके आनी होती है जिसके लोग फॉलो कर सकें. ना हमें रोटी कपड़ा मकान मिला और ना ये हमें करप्शन से निजात मिलेगी. असल चीज़ ये है कि जब इनकॉम्पिटेंस होती है सोसाइटी में, जब लैक ऑफ सिस्टम्स होते हैं तो लोग फिर करप्शन की तरफ जाते हैं. अगर स्किल्ड वर्क फोर्स हो दे कैन अर्न द साइजेबल मनी विदाउट डूइंग समथिंग इलीगल, राइट? और मसला यही है. और एक तो हायर लेवल पे करप्शन है जो हमारे गवर्नमेंट में है या बाकी जगह,
उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है, हम प्रिवेंशन मेजर्स नहीं लेते। मैंने पिछले 5 साल से मैं इस बात चीज पे बात कर रहा हूँ कि अमेरिका में और बाकी जहाँ गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है, उन्होंने सारा डाटा ऑनलाइन ले आया। जो वॉच डॉग्स थी वो उनको ऑब्जर्व कर रही होती हैं रियल टाइम, आपने स्पेंडिंग की है इसी वक्त आप देखें कि उसमें एक्सपेंस क्या हुए हैं, गवर्नमेंट ने कहाँ खर्च किए हैं, और अगर किसी किस्म की करप्शन हो मीडिया उसको हाईलाइट करे, वो करप्शन हो ना प्रिवेंट किया जाए करप्शन होने से, राइट। करप्शन होने के बाद जो पोस्टमार्टम हम करते हैं या लोगों को जेलों में डालते हैं, वो रिकवरी हो नहीं पाती। एग्जैक्टली, इतना पैसा जब होगा तो वो रिकवर तो उसमें से पहले 20% भी नहीं हो सकता, जी फ्रैक्शन भी नहीं हो पाता, राइट। तो हमें वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, हम ट्रांसपेरेंसी लेके आए, अपने डाटा को पब्लिश करें, हम डिजिटलाइज करें। अब देखें नादरा, किसी जमाने में लोगों के 2-2, 3-3 शनाख्ती कार्ड होते थे, हमने कंप्यूटराइज किया उसको, डिजिटलाइज किया, जी सिस्टमैटिक हो गया। अब हमारे यहाँ मुश्किल है डुप्लीकेट आईडी बनना, उसकी वजह से बैंकिंग का ट्रस्ट बढ़ा, अब लोगों को लोन्स मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं। तो जब आप ट्रांसपेरेंसी ले आते हैं या डिजिटलाइज कर देते हैं, इस तरह हमें टिकटिंग है, बाकी गवर्नमेंट के सारे सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट को हमें प्लान करना चाहिए कि अगले 5 साल में हमने इसको 100% डिजिटलाइज करना है अपने गवर्नमेंट सर्विसेज को। अगर हम उसमें करने में कामयाब हो जाएं तो हमारी जो करप्शन वाले जो चीजें कम हो जाएंगे बनिस्बत। लेकिन जब तक हम अपनी स्किल फोर्स को अपग्रेड नहीं करते, उनके स्किल सेट को अपग्रेड नहीं करते, उस वक्त तक हमारा जीडीपी अच्छा नहीं हो सकता, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास बेसिक जो स्किल्स होते हैं, ड्राइविंग है, बाकी चीजें हैं जो वेस्टर्न में वी टेक फॉर ग्रांटेड कि वो बेसिक एलिमेंट्री स्किल्स हैं, वो भी नहीं है हमारी वर्कफोर्स के पास। मैं उसकी एक आपको एग्जांपल और देता हूँ। आप ये देखें, ग्रीस यूरोप का सबसे जिनको निकम्मे लोगों में शुमार करते हैं वो मुल्क है, राइट। उसके 11 मिलियन की वर्कफोर्स है, वो तकरीबन 480 बिलियन यूएस डॉलर्स का उनका जीडीपी है। हम 62 मिलियन की वर्कफोर्स है पाकिस्तान में, जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं वो 62 मिलियन है, हम तकरीबन 380 बिलियन डॉलर बना रहे। तो हमारा 6 लोग यूनान, जो जिसको यूरोप निकम्मा तरीन कंट्री कहते हैं, उसके एक बंदे के बराबर भी काम नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा लेवल है कॉम्पिटेंस का। तो हम खुशफहमी में जिसमें मर्जी रहें, लेकिन जब तक हम इस खुशफहमी को खत्म नहीं करते। अच्छा, आपको लगता है प्रायोरिटीज भी डिपेंड करते हैं। अभी हम चूंकि इतनी वो स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरे, अब पाकिस्तान की बात की जाए, स्टेट जो हमारी ओवरऑल बहुत सारे क्राइसिस भी फेस कर रही है, अभी हम देख रहे हैं कि बाहर से हम लोन और सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एट द एंड प्रायोरिटीज़ भी तो मैटर करती हैं कि हमने किस तरह से प्लानिंग स्ट्रैटेजीज, क्योंकि जो स्ट्रगलिंग पीरियड है उसको भी तो एंड होना ही है। देखिए, अगर आप नए मसाइल क्रिएट करते जाएं, 15,000 बच्चे नए पैदा करते जाएं और उनके लिए स्कूल है नहीं, तो आपके तो मसले कभी ख़त्म नहीं हो सकते, राइट। तो मसाइल ख़त्म करने के लिए पहले हमें कुछ तो पहले सोचना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है हम चाइना को कॉपी कर सकते हैं, चाइना के मॉडल को, राइट। उन्होंने पॉवर्टी से जो डेवलपमेंट साइड पे गए हैं, तो उन्होंने 2-4 चीज़ें की हैं। एक तो देखें, उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत जो 400 मिलियन बच्चे पैदा हो सकते थे उनको रोका, क्योंकि अगर वो वर्क फिर आ जाएंगे तो फिर वो हमारे 22 मिलियन बच्चे जो अभी स्कूलों से बाहर हैं वो और बढ़ते जाएंगे, राइट। तो हमें जब तक हम फैमिली प्लानिंग नहीं करते, ये मसला हल होने वाला नहीं है। दिस इज द कोर इशू, इसके बगैर कोई आप करप्शन खत्म कर दें तभी ये मसले हल नहीं होने वाले। हम फर्स्ट क्लास वर्ल्ड में इंटर नहीं हो सकते जब तक हम इस इशू को खत्म नहीं करते। फिर ये है कि हम बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री थे, ठीक है। फैमिली, अगर आप अपनी किसी भी फैमिली को देख लें पाकिस्तान में, जो पंजाब में स्पेशली लोग हैं, जो अंदरून सिंध में लोग हैं, वो काश्तकार थे, जरी एग्रीकल्चरल हमारी वर्कफोर्स हम बेसिकली डिपेंड थी। तो हुआ ये है कि अब वो ज़मीनें फैमिली दर फैमिली तकसीम हो के बहुत कम हो गई, दे कैन नॉट अफोर्ड, हम एक लाइवलीहुड उस पर अफोर्डेबल नहीं है, उस छोटी सी जो ज़मीन बच गई है हिस्सा रह गया। तो वो चाइना ने किया कि उनके पास तकरीबन 800 मिलियन के करीब सरप्लस में थे लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उन्होंने मूव किया 10 मिलियन के करीब। तो हमें भी वही करना पड़ेगा, और वो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बनाया नहीं, और ना हमारा सर्विस सेक्टर उसकी वजह से बन सका। तो अर्बनाइजेशन तो हो रही है, लोग गाँव से शहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं है कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो जो हमारे पास पहले मैन्युफैक्चरिंग थी भी टेक्सटाइल में, जैसे फैसलाबाद में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, बिल्कुल। तो उसकी वजह से हम नई जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए। तो हमें क्रिएट करने के लिए हमें गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को
इसको सोचना होगा कि हम किस तरह नई जॉब्स, हम जब तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं करते उस वक्त तक वो नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो सकती, राइट? हमें वी हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अदरवाइज तो और कोई तरीका नहीं है जनरेट. और फिर सर्विस सेक्टर उससे रिलेटेड है कि सर्विस सेक्टर में हम उसको करें. फिर बहुत सारे और अच्छे आइडियाज हैं, जैसे आईटी है, उसमें रॉ मटेरियल की आपको जरूरत नहीं होती, ठीक है? इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को आप लेके यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग एंड देन यू आर सेलिंग इट टू ओवरसीज. अगर हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट हो, ये पेमेंट गेटवे जैसे पेपॉल है, वो चीज़ें हों, और अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट टैक्सेशन को क्लियर कर दे, एक तो चीप कर दे, क्लियर कर दे, सिंप्लीफाई कर दे. हंगरी ने 9% प्रोग्रेसिव टैक्स बना दिया कॉर्पोरेट के लिए, और उन्होंने $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को इनटेक किया है पिछले 5 साल में. तो अगर हमारी गवर्नमेंट उसकी वाजिया पॉलिसी लेके आए तो फिर इस तरह की चीजें और हो सकती हैं. बिल्कुल. अच्छा, हम बात कर रहे थे लिटरेसी रेट की, और इसके अलावा करप्शन को भी हमने कहा, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, हम फैमिली प्लानिंग नहीं करें. इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी, जैसे हम टूरिज्म अपने सेक्टर को देखते हैं, उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें सिचुएशंस को बेहतर कर सकते हैं. टूरिज्म के अलावा भी बहुत सारी, जैसे अपने आईटी का रंग है, और भी कई ऐसी फील्ड हैं जिसकी वजह से हम एक्सेल कर सकते हैं. अब देखिए, टूरिज्म जो है, अगर तो वो इंटरनली है हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मुल्क से लोग, कराची से लोग शुमाली इलाकाजात में जाएँ या वहाँ, एक तो ये है कि हमने उसको पाकिस्तान के इंटरनल जो टूरिज्म है उसको इतना प्रमोट नहीं किया, लेकिन प्राइवेट सिटीजन अब कर रहे हैं. असल चीज़ वो होती है जो इंटरनेशनल टूरिज्म होता है, जैसे दुबई कर रहा है, राइट? तो वो बाहर से लोग आ रहे हैं, दे अर्न द मनी आउटसाइड ऑफ द कंट्री, दे ब्रॉट दोज रिसोर्सेज इनसाइड. वो सबसे फायदेमंद होता है, क्योंकि उससे देखें जो इंटरनली है उससे GDP इतना ज्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है? उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू डू समथिंग बैड. और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो फॉर्म, जो हमारा डेफिसिट है, वो हम जो अकाउंट डेफिसिट है हमारा, उसको कोई फायदा नहीं हो सकता जब से आउटसाइड से मनी नहीं आएगी, राइट? तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की जब तक सिचुएशन हम ठीक नहीं कर पाते, वो उसको में बेहतरी आएंगे. अब देखें पिछले दिनों जैसे 4 दिन के लिए शहर और मुल्क पूरा बंद हुआ हुआ था, तो इस हालात में, और फिर उसको तो बहुत नेगेटिव प्रेस मिलता है यूरोप में और अमेरिका में. अब ऐसी चीज़ें जब तक हमें कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होते, देखिए एक पाकिस्तान का जो, मेरा ख्याल है 3 सबसे बड़े इशू हैं, एक तो पॉपुलेशन है, दूसरा एजुकेशन है, स्किल्ड फोर्स, और तीसरा हमारी ये जो सोशल फैब्रिक है. अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अमेरिका की सोशल फैब्रिक है. आप न्यूयॉर्क में पैदा हों, फ्लोरिडा चले जाएं, वहाँ जाके आप जिंदगी गुजार सकते हैं, यू वॉन्ट फील थ्रेटन. आप शादियाँ करें, आपस में जैसे मर्जी उनके ताल्लुकात बनते हैं लोग अपने. हमारे यहाँ हमने सोशल फैब्रिक को कोई सोशल इंजीनियरिंग की नहीं. अब जो सिंध के लोग हैं वो सिंध में ही रहते हैं, वो पंजाब में नहीं आते, हमारे रिश्ते नाते उनके दरमियान नहीं होते. ऐसे ही पंजाब के लोग बलोचिस्तान या बलोचिस्तान के वाइस वर्सा कहीं नहीं हम जाते. हमने एक वो ट्राइब जो है अपने बनाए हुए हैं, उस ट्राइब से हम निकले नहीं. सही. और इनटॉलरेंस उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, और ये जो हमारी नफरतें हैं वो भी बढ़ती जाती हैं. तो ये जो काम है, देखें पॉपुलेशन तो मैं और आप, हम लोग मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल लेवल पे, पढ़ाई भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये जो सोशल फेवर की डेवलपमेंट है ये एक इंसान का काम नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल वर्क है. इसमें या तो मिलिट्री करेगी या पाकिस्तान के थिंक टैंक्स करेंगे, ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल के हैं, वो उसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं. कोई मैसेज है जो आज के टॉपिक के हवाले से आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? मेरा तो एक ही मैसेज है इस कॉम को कि पाकिस्तान को जो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है इसको सीरियसली लेना चाहिए, बायसेस निकाल के, और पाकिस्तान की जो सोशल फैब्रिक है, हम लोग सब बहन भाई हैं मुसलमान होने के नाते, और ना भी मुसलमान हों जो पाकिस्तान के शहरी हैं, मेरी इन सब से गुजारिश है कि अल्लाह के नाम पे इस मुल्क में फसाद ना करें, अफाम व तफीम से रहें, भाईचारे से रहें, एक मोहब्बत की इन्वायरमेंट पैदा करें, ताकि हमारा इमेज इंटरनेशनल वर्ल्ड में अच्छा हो और लोग आए इस मुल्क में और हमारे यहाँ बेहतरी आए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का और अपनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने का. जब आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर.